मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि सरकार के गठन के बाद औद्योगिक विकास को लेकर अपने इन्वेस्ट समेत कर रहे हैं, बाहर के दौर भी कर रहे हैं और रोजगार कंपनियों को लाकर के मध्य प्रदेश में निवेश कराकर रोजगार के अवसर बना रहे हैं। कोर्जिंग जॉइंट की शुरुआत इंदौर में हुई है जिससे रोजगार के कई रास्ते युवाओं के लिए बनेंगे और ऐसी कई कंपनियां मध्य प्रदेश में निवेश करेंगी। प्रसन्नता है जिस प्रकार से हमारी सरकार के गठन के बाद हमने सबने घोषणा की है कि हम लगातार औद्योगिक निवेश के माध्यम से प्रदेश की पहचान देश में एक अलग प्रकार से बनाएंगे। उसी सिलसिले में लगातार हर महीने हम अपने इन्वेस्टर समिट भी कर रहे हैं, बाहर के रोड शो के दौरे भी कर रहे हैं और अलग अलग प्रकार की रोजगार परक एजेंसियों को, अलग अलग प्रकार के घरानों को ला करके अपने मध्य प्रदेश में उनके अपने ऑफिस चालू कराना, उन फर्म को मौका देना जो रोजगार परक है। आज इंदौर में कॉग्निजेंट नाम की संस्था के माध्यम से 1500 से ज़्यादा तो रोजगार के अभी अवसर प्रारंभ हो रहे हैं, आगे जा करके ये 20,000 तक अपनी संख्या ले जाएंगे। ऐसी आईटी कंपनी के लिए मैं शुभकामना देता हूँ और इंदौर हमारा अपना दुनिया में एक अलग पहचान बना रहा है। उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश में ऐसे और भी केंद्र खुलेंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई।